वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स में दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन के साथ जो है जुड़े होंगे और हमारा शो जो है इस टाइम देख रहे होंगे। तो नाजिन, आप हमें दोबारा जो है याह्या खलीक जुमान साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको अगेन वेलकम कहते हैं शो में। अगेन वेलकम सर इन द शो। सर ये बताइए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पे ही रहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पे ही बात कर रहे थे पहले भी, तो चैंपियंस ट्रॉफी अब अगर भारत के हवाले से बात की जाए, आपको पता है भारत का स्टांस तो है कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन क्या फील होता है कि कोई अभी भी कोई गुंजाइश है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है इसमें? जिस तरह भारत तो पाकिस्तान नहीं आना चाहता, लेकिन पाकिस्तान अगर कोई कोशिश करे, आईसीसी के साथ मिलकर पाकिस्तान कोई कोशिश करे, उनको खत वगैरह लिखे या कोई इस पर मेहनत करे थोड़ी सी पाकिस्तान, तो क्या थोड़ी सी पाकिस्तान डिप्लोमेसी कामयाब हो सकती है कि थोड़ा भारत फ्लेक्सिबल हो सकता है, घुटनों पर आ सकता है? देखिए, एक चीज है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, अब खतूत का सिलसिला तो जारी है, वो तो लिख ही रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ना एक ब्लफ खेला है। अच्छा, शायद वो ये चेक करना चाहते हैं कि हम इनकार करके देखते हैं, और अगर रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स कितना को स्ट्राइकिंग आता है, अगर तो हम उस स्ट्राइक को बर्दाश्त कर सके तो हम घुटने टेक देंगे, अगर तो रिस्पॉन्स हुआ हल्का देन फिर यू नो बड़ा मीन के आगे बात काम हो जा सकती है। अब ये देखें कि उनके जो वजीर खारजा है जयशंकर, वो सारी दुनिया में बैठकर हमारे खिलाफ बातें करते रहते हैं, लेकिन यहां वो आए हैं G20 कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करने के लिए आए हैं, और सॉरी वो जो शिघाई था वो तंजीम का, ठीक है, वो यहां आए हैं, वो यहां पर बैठे हैं, हमारी कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनसे उनकी मुलाकात हुई है बाकायदा बैठकर। सो वो पाकिस्तान आए हैं एक डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर, उन्होंने अपना सारा काम किया है, तो भाई वो तो ये तो फिर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, या स्पोर्ट्स की टीमों को तो प्रोटोकॉल ही हो रहा है। भाई यार, हमने जिम्बाब्वे की टीम को दे दिया यार, स्टेट का गेस्ट बांग्लादेश की टीम को दे दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टीमें हल्की हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमने हर आने वाली टीम को, हर आने वाले मेहमान को अपने सनाखों पर बिठाया है, ये हमारी खासियत है कि हम मेहमानों की बड़ी इज्जत करते हैं और उनको बड़ा रुतबा देते हैं, तो हम यही करेंगे इंडिया के साथ भी। इंडिया आता है और मुझे ऐसा लगता है कि अली इंडिया आएगा। अच्छा, आज भी मैं मेरी गट फीलिंग ये है कि इंडिया आ जाएगा, उसकी वजह ये है कि ये जो ब्लफ, अब क्योंकि जितनी हमने बातें की है ना, इससे मुझे ये अंदाजा होगा कि खुद से भी ये भी आपके ड्यूरिंग द प्रोग्राम ही मैंने ये सोचा कि यार ये ब्लफ भी तो हो सकता है कि अगर इंडिया ने ब्लफ खेला गया यार हम ये चार चल के देखते हैं तो देखते हैं आगे से काउंटर क्या आता है। अब ये हमारे काउंटर नैरेटिव पे डिपेंड करेगा, अली काउंटर नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है हमारा, और जैसे आपने कहा कि भारत घुटने टेक देगा, शायद टेक दे, शायद आ जाए। अब चलो दूसरे सिचुएशन में आ जाते हैं, लेट्स से पाकिस्तान नहीं आता भारत, और भारत वैसे स्ट्रांग, आपको क्या लगता है रीजन क्या बनाएगा, सिक्योरिटी का इशू बनाएगा या दूसरी बात ये कहेगा कि हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, या इस तरह के मामला हैं, बेसिक उनके पास कोई ऑथेंटिक रीजन होगी भारत के पास जो जस्टिफाई कर सके प्लेटफॉर्म पे आईसीसी के, तो क्या रीजन बना के भारत पेश करेगा, आपको क्या खबरें इस बारे में अगर ऐसा होता है तो? देखिए खबर नहीं है, एनालिसिस हो सकता है। अब होता ये है कि जो हुकूमतें होती है ना, इन्होंने ना वोट लेने होते हैं आगे मजीद हुक्मरानी करने के लिए। अब बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई है ना, जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की है, बाकी सारी की है, वो सारी की सारी कैंपेन उनकी मोस्टली कैंपेन कह दी थी, उनका नुकता पाकिस्तान मुखालिफ भी है। अब पाकिस्तान की मुखालिफत में तो उन्होंने वोट ले लिया कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे, खुदा ना खास्ता उस पर उन्होंने वोट तो ले लिया। अब अमित शाह जो सीनियर तरीन उनके हैं वजीर और सारे मामलात हैं और सारे उनके, अब उनका जो बेटा है आगे से जय शाह, वो आईसीसी के मामलात को देख रहा है। तो अगर भारत की टीम आ जाती है तो जिस बयानी पर हुकूमत खड़ी है बीजेपी की, मोदी की और बाकी सारी, वो तो धड़ल से गिर जाएगी ना, तो उसको भी जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने अपनी भी प्लानिंग करनी है। तो ये जो ब्लफ वाली बात है ना, ये मुझे यहां से भी आती है कि हो सकता है कि उन्होंने अपनी आवाम को भी एक हल्का सा चूरन भेजना हो कि यार देखो हमने इनकार कर दिया था लेकिन प्रेशर बड़ा आ रहा है तो चले हम इसको कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो स्टांस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर वो रहेगा। वो बना सवाल करेंगे ना कि भाई आप तो हमसे वोट लेते थे कि हम इंड फेंड पे जा देंगे, ठीक है, और आप अपने टीम वहां भेज दी है इंडिया खेलने के लिए, और उसके बाद आप जनाब वहां पर उनको प्रोटोकॉल भी मिल गया, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे, आपको वोट नहीं मिलना अगली दफा, ये हो सकता है। पाकिस्तान और भारत में जो वोट लेने का तरीका होता है ना, वो ऐसे होता है, बड़े सेंटीमेंट्स को भरा जाता है,
सो पाकिस्तान में एंटी इंडिया वोट डलता है और इंडिया में एंटी पाकिस्तान वोट डलता है, ये है। अब दोनों कॉमों ने, दोनों मुल्कों ने अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करना है, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन जस्टिफाई करने की ज्यादा जरूरत जिसको है इंडिया को है, वो फंस गया। जो आप देखते हैं वो इससे कैसे निकलते हैं, वो अपनी सियासत बचाते हैं बीजेपी वाले, या आईसीसी की तरफ से अपनी लोग क्रिकेट को बचाते हैं, उसमें सारे मामला करते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी जो सूरत हाल है, मैं इसको 60-40 कंसिडर कर रहा हूँ फिलहाल। 60% इंडिया आ रहा है, 60% इंडिया आ रहा है, 40% नहीं आता। हाथ ऊपर है पाकिस्तान का, मैं भी आने की बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा हूँ 60% इस केस में पाकिस्तान का हाथ ऊपर है। अब देखना यह है कि ये 60 से 70 और 70 से 80 और 90 तक कैसे जाता है। अच्छा, एक चीज और भी है ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपके साथ करने लगा हूँ कि भारत आपको पता है इन्फ्लुएंशियल स्टेट है और इन्फ्लुएंस रखता है, आईसीसी पे भी इन्फ्लुएंस रखता है, उनकी आईपीएल लीग होती है, करोड़ों में पैसे जो है वो दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक दो टीम्स को भी भारत अपने साथ मिला ले और यूनाइट करके कहे कि जी वो भी बोले पाकिस्तान नहीं आना, भारत भी बोले पाकिस्तान नहीं आना, तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो होनी है इसमें रंग में भांग पड़ जाए। नहीं देखा नहीं, कैसे होगा, अभी एक महीना गुजरा नहीं है, इंग्लैंड खेलकर चली गई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया खेलकर जा चुकी है, ओके, न्यूजीलैंड खेलकर जा चुकी है, साउथ अफ्रीका के साथ आपकी सीरीज आ रही है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज है वनडे की, यकीन यहाँ तक खेलना चाहेंगे। भाई पांच बड़ी टीमें चली गई है, तो क्या श्रीलंका को साथ भी ला लेगा इंडिया, या बांग्लादेश को साथ भी ला लेगा, बांग्लादेश खेलकर जा चुकी है, और श्रीलंका तो कभी आसान उतार सकता नहीं है पाकिस्तान का, ठीक है, जिस हालातों में वहां पर क्रिकेट रिवाइव करवाई पाकिस्तान ने और श्रीलंका ने पाकिस्तान ने क्रिकेट को रिवाइव करवाया, ये दोनों मुल्क दूसरे के मोहब्बत ही बड़ी करते हैं, तो कैसे डिनाई कर सकते हैं। हाँ, कोई एक टीम अगर रह जाती है छोटी सी, तो वो उसको बेशक अफगानिस्तान को मिला दे तो मिला रहे साथ, ऐसा होना नहीं है, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है कि इंडिया किसी को मिला देगा। और हाँ, आपके सवाल के जवाब में जवाब है, अगर इंडिया ने किसी को मिलाना होता तो अब तक तो नाम सामने आ जाता कि हम नहीं जाना चाहते। कुछ बात तो हो रही थी थोड़ी सी न्यूजीलैंड के वाले से बात हो रही थी, नहीं न्यूजीलैंड आ गया। अब उन देखे क्रिकेट बोर्ड होते हैं ना, वो किसी भी क्रिकेट लीग से बड़े नहीं हो सकते हैं या मुल्क। अब अगर ये कह देते हैं न्यूजीलैंड वाले के भी जो नेशनल टीम है हमने उसको ज्यादा फोकस करना है और आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट आप छोड़े उसको, ठीक है, अपनी टीम पर ज्यादा तवज्जो दें आप, तो मेरा ख्याल है वो देंगे, ये जरूरी है, क्योंकि जो शर्ट आप अपने सीने पर पहनते हैं ना, जिसपे आपकी वो मुल्क का निशान होता है, उसकी जो तौकीर होती है ना, उसका जो कदकाट होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी डिग्निटी कुछ और होती है, तो उसको आप किसी भी लीग के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये सूरत हाल है। आप मुझे बताइए ना, एशेस चल रही हो, एशेस के मैचेस हो, ठीक है, तो क्या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ले लेंगे आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट? कभी भी नहीं लेंगे। नेवर। बिल्कुल, आपकी जायज बात है, वाजिब बात है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऊपर भी आते हैं। पाकिस्तान ने तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया को, जो है 22 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे जो है हराया, और पाकिस्तान ने हिस्ट्री रकम की, और बड़ी बड़ी टीमें जो नहीं कर सकी वो पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने किया, करके दिखाया। तो अगर बात करें, वन डे सीरीज आपने जीत ली, अब T20 सीरीज आपके जो है थर्सडे से जुमेरात से स्टार्ट होनी है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक गालबन 1 बजे, तो T20 में पाकिस्तान की टीम के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि क्या पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि फैंस अब ये तो आपको कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती है तो T20 सीरीज भी जीतनी चाहिए ताकि उस पर भी रैंकिंग बेहतर हो। तो आप पर्सनली क्या बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान को जो है T20 का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना चाहिए, कितने स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए और कितने पेसर्स होने चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का विकेट है, पेसर्स को ज्यादा हेल्प मिल रही है, तो क्या हमें पेसर्स ज्यादा रखने पड़ेंगे, तो कॉम्बिनेशन क्या बनाना चाहिए टीम का और क्या चीज करनी पड़ेगी जीत हासिल करने के लिए? अली, एक तो पाकिस्तान ने जो कारनामा किया वो बिला शुबा कमेंडेबल है, और रिजवान, हाँ देखिए, कॉम्बिनेशन आपको ऐसा ही रखना पड़ेगा जैसा आपने वनडे में रखा, ठीक है, आप पेसर्स के साथ नॉर्मली जाएंगे, लेकिन चूंकि वो T20 होता है ना, तो T20 में आपको जब एंटी लग जाती है बॉलर्स को, तो फिर आप चेंज करने के लिए आप कोई ना कोई उसमें बॉलर एक आध ऐड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़के हैं स्पिनर, जो एक तो अरफात बिन हास उन्होंने रखा हुआ बीच में, वो ऑलराउंडर भी है, लड़के हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है, इनको जगह मिलेगी, हाँ वो ऑलराउंडर भी है, ठीक है, और गलत इरफान न्याजी है, बिल्कुल इरफान न्याजी है, तो वो भी स्पिन कर लेता है बॉलिंग,
ठीक है, वो भी स्पिन बॉलिंग कर लेता है। तो होगा यही कि तीन पेसर्स होंगे, एक का स्पिनर होगा, बाकी सारे बैट्समैन होंगे। और जो इंटेंट की आपने बात की ना पहले के जीतना चाहिए, मेरा जीतेगा क्योंकि जो पाकिस्तान की प्लानिंग अब तक रही है वनडे सीरीज में वो कामयाब हुई है। पाकिस्तान ने अटैक किया और ऑल आउट अटैक किया और एक पॉजिटिव क्रिकेट खेली है जिसका उनको नतीजा मिला है। और टी ट्वेंटी में भी ऐसे ही होगा, देखिए कहां 50 ओवर्स है और कहां 20 ओवर्स है। तो पाकिस्तान 20 ओवर्स की गेम में एक लीथल टीम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है, आपके बाबर आजम चल जाते हैं, रिजवान चल जाते हैं, माशाल्लाह बाबर आजम जो चला है इस सीरीज में मुझे बड़ी खुशी हुई है उसके बल्ले से स्कोर निकलता हुआ देखकर। वैसे वो 50 वो नहीं कर सका लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो शॉट्स खेल रहा था ना मुझे उसमें अच्छा लगा, उसका वो बहाल होता एतमाद। और यही एतमाद वो जो व्हाइट बॉल की जो सीरीज टी ट्वेंटी की आ रही है वो उसमें भी अपना जादू दिखाएंगे। और फिर बाकी लड़के वैसे बहुत अच्छे टी ट्वेंटी के 6-6 ओवर की गेम खेलने वाले बेतहाशा हमारे पास प्लेयर है, उस्मान खान आ जाएगा उसमें और पिंच हिटर आ जाएंगे, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनने का सोचना ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि हारे हुए वो है वो आएंगे यहाँ पर, वो अपनी प्लानिंग को चेंज करेंगे कि हमने कैसे प्लान करना है, हमने पाकिस्तान के पेस अटैक को कैसे डील करना है। शाहीन के देखे ना हम आपसे जब पहले भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई तो मैं अक्सर कहता था कि आपका प्राइम बॉलर शाहीन विकेट नहीं ले रहा, प्राइम बॉलर शाहीन तंग नहीं कर रहा और पाकिस्तान देखिए परेशान था। शाहीन बैक हुआ है, नसीम बैक हुआ है, हारिस राउफ बैक हुआ है, ये बड़ी खुशहाल बात है पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के लिए कि इन्होंने हैरानकुन तौर पर अच्छी बॉलिंग की। और हसनैन को देखिए आप, हसनैन को विकेट बेशक कम मिले हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी नबी धोनी बॉलिंग हसनैन ने की है इनमें से किसी ने भी नहीं की है। आप उसकी लाइन में देखिए उसको हिट करना मुश्किल हो रहा था, एक्शन exactly. चेंज करने के बावजूद उसकी स्पीड कम नहीं हुई है, वो 140 प्लस का जो एक है उसको वो टच कर रहा है। खैर अभी तो वनडे खेलकर वापस आ गया, टी20 स्क्वाड में वो नहीं है लेकिन लेकिन उसमें दमखम है और वो खेलेगा, लंबा खेलेगा। और टी20 इंशाल्लाह ताला अब देखिएगा, ये भी हम 3-0 तो नहीं कहते, वो एक मुबारक आई हो जाएगी लेकिन 2-1 का मुझे इंशाल्लाह। आई होप कि पाकिस्तान टी20 सीरीज भी जो है वो अपने नाम करे जिस तरह ओडीआई सीरीज अपने नाम की है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे पाकिस्तान पे हमें और ज्यादा फख्र हो जाएगा और अभी भी फख्र है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ याह खलीक जमान साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़ा वैल्यूएबल एडिशन किया हमारे प्रोग्राम में। तो नाज़रीन हमें यहाँ पे अपने प्रोग्राम के क्लोजर पॉइंट की तरफ जाना है, खितामिया की तरफ जाना है। भारत जो है पाकिस्तान अब उसके ऊपर डिबेट चल रही है, अब देखें क्या निगोशिएशन होती हैं, भारत अपना मुद्दा क्या पाकिस्तान के सामने रखता है, पाकिस्तान क्या अपने प्रोज एंड कॉन्स भारत के सामने रखता है, क्या डिप्लोमेसी होती है, क्या इसमें जो है गवर्नमेंट्स क्या किरदार अदा करती हैं, खासकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, या हाइब्रिड मॉडल जो है उसको किस तरह उसके बारे में क्या सोचा जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली है और एक बड़ा मेगा इवेंट होस्ट करने के लिए जो इवेंट मिला है, तो पाकिस्तान को हर हाल में इसको होस्ट करना है और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, दुनिया की क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अगर ये इवेंट होस्ट करता है और ये कामयाबी से इवेंट हो जाता है। तो फर्दर मोर बात करें, पाकिस्तान ने जो है अब से 2 रोज़ बाद पाकिस्तान इज़ गोइंग टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया द टी20 सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, एंड आई होप कि पाकिस्तान वो भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान शुड विन दिस सीरीज़। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान विल शो अ गुड कम बैक इन द टी20 सीरीज एज वेल। वनडे में तो बड़ा अच्छा कम बैक था, टेस्ट में भी बड़ा अच्छा कम बैक था अगेंस्ट इंग्लैंड, अब टी20 की बारी है तो आई होप पाकिस्तान इसमें भी एक अच्छा कम बैक करेगा। और जो यूएसए में प्रॉब्लम्स हुई थी पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कप एग्जिट हो गया था बड़ा अर्ली, आई थिंक पाकिस्तान इस चीज़ को कोप अप करते हुए अब आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान कम बैक करेगा टी20 में और पाकिस्तान इंशाल्लाह हमारे फैंस को मायूस नहीं करेगा, टी20 सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया से जीतेगा। तो हम ग्रीन टीम्स को गुड लक कहते हैं, विश देम गुड लक एंड वी होप कि ग्रीन टीम्स जो हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी जो है टी20 सीरीज जीतें जो टी20 सीरीज होने जा रही है। और हम इसी नोट्स पर अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे और हम नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अजवेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।